अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू शेख सिस्टर व्लॉग्स। और आज मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए वरहमा है। हाय। ठीक है, तो आज हम दोनों आपको मजेदार सी नान खटाई की रेसिपी दे रहे हैं। हमने कहा बहुत जो है वो तीखा तीखा हो गया, कुछ मीठा भी होना चाहिए। जिंदगी मीठे के बगैर जो है वो बेरौनक सी है। तो आज हम नान खटाई बना रहे हैं, और बेकिंग जो है वो मूड पे डिपेंड करती है। दिल चाह रहा था कुछ बेक करने का, तो मैंने बोला चलो झटपट से नान खटाई बना लेते हैं, जो हम लोग चाय के साथ शाम में सर्व कर लेंगे। ओके, तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक छन्नी ले ली है। मेरे पास नॉर्मल जो बेकिंग वाली छन्नी होती है वो नहीं है, तो मैं आटे की छन्नी ले रही हूँ। डजेंट मैटर, आप भी ले सकते हैं भाई, जो अवेलेबल है हम उसी में कुकिंग जो है वो कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एक कप, ये देखें, मेजरिंग कप, एक कप जो है हमने वो आइसिंग शुगर ले ली है। मैंने नॉर्मल चीनी ली थी और उसको पीस लिया है। लेंगे एक कप मैदा, मैदा जो है उसको भी हम छान लेंगे। इसके बाद मैंने ले लिया है हाफ कप बेसन। मेजरिंग कप्स होते हैं ना, तो बहुत आसानी हो जाती है। और अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो आप एक कटोरी ले लें, और जिस कटोरी से आप सारी चीज़ें मेजर करें ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक कटोरी जो है शुगर ली है, तो वही एक कटोरी आप मैदा ले लें, वही आधी कटोरी आप जो है क्या कहते हैं बेसन ले लें, और वही 1/4 कप जो है वो सूजी ले लें। 1/4 कप मैंने सूजी ले ली है, इसको भी छान लेंगे। जो नान खटाई में क्रंच आता है ना, वो सूजी से ही आता है। आप चाहें तो स्किप भी कर दें अगर आपको क्रंच नहीं पसंद नान खटाई में, मुझे अच्छा लगता है लिहाजा मैं डाल रही हूँ। अब मैं 1/2 टेबल स्पून के करीब इस पर डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, और 1/4 जो है चम्मच बेकिंग सोडा का, खाने का सोडा जो मीठा होता है ना वो। अब इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब स्पैचुला की मदद से मैं इसको इन सबको मिक्स कर लूँगी, जो ये मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए हैं यानी ड्राई इंग्रेडिएंट्स, उन सबको मिक्स कर लूँगी। देखिए बेकिंग हो और मैस ना हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे साथ तो लाजमी होता है कि बेकिंग के साथ मैस होता ही। अब इसमें हम 1 कप जो है वो घी का शामिल करेंगे, और इससे जो है हम ये पूरी जो ड्राई इन्ग्रीडियंट्स हैं उनको गूँध लेंगे। हाथों की मदद से हम आटा गूँधेंगे। इसमें जो घी बच गया है वो स्पैचुला की मदद से मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं इसको अच्छे से हाथ की मदद से गूंथ लूंगी, जैसे आटा गूंथते ना बिल्कुल वैसे ही। देखिए मैं अच्छे से गूंथ रही हूँ, ये देखिए सब इंग्रेडिएंट मिक्स हो गए हैं, आटा गूंथ गया है नान खटाई का। अब हम इसे जो है वो 10 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। देखिए 10 मिनट हो गए और हमने ये आटा फ्रीजर से निकाल लिया है। और अब हम ले लेंगे एक ढक्कन, देखिए मैंने ये ढक्कन ले लिया। इस पे हम बटर पेपर लगा के मतलब ग्रीस करके, ऑयल या घी से या बटर से जैसे भी आप चाहें ग्रीस करके इस पे बटर पेपर लगा देंगे। ब्रश की मदद से पूरा ग्रीस कर लेंगे इसको हर तरफ से, अच्छे से ग्रीस हो गया है। अब इसमें हम लगाएंगे बटर पेपर, ये देखिए ये बटर पेपर है, मैंने इस पर लगा दिया है। अब मैं ये जो आटा है इससे नान खटाई की शेप की नान खटाई बना लूंगी। देखिए मैंने ये ले लिया है, और अब इसको हम इस तरीके से हाथ की मदद से शेप दे देंगे नान खटाई की, ग्रीस कर देंगे इसको यहाँ पे। दूसरा बहुत इजी है, इसी तरीके से हम सारे बैटर की जो है वो नान खटाई बना लेंगे।
देखिए मैंने एक एग जो है उसकी योक ले ली, यानी येलो वाला पार्ट, वाइट वाला पार्ट जो है वो मैंने अलग कर दिया है। और अब मैंने देखिए नान का दाई इस शेप में बना ली है, और अब इस एग योक को मैं इस तरीके से ब्रश की मदद से इस पर लगा दूँगी, तो वो जो रंग आता है ना नान का दाई पे वो एग योक का ही होता है। मीनवाइल मैंने हल्की आंच पे कढ़ाई जो है, कढ़ाई पतीला जो भी है वो 15 मिनट के लिए गर्म होने के लिए रख दिया है, और उसमें एक स्टैंड प्लेस कर दिया है। ठीक है, ये देखें हमने मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई जो है उसको गर्म होने के लिए 15 मिनट के लिए रखा हुआ है, और इसके अंदर हमारे पास जो है छोटी सी हमने कटोरी प्लेस कर दी है। आप चाहें तो स्टैंड कटोरी कुछ भी प्लेस कर सकते। देखें अब मैं इसको प्लेस कर रही हूँ बहुत एहतियात से, क्योंकि पॉट गरम गरम है, हम इसको बहुत एहतियात से प्लेस करेंगे। मैंने यहाँ पे चिमटे का सहारा लिया है, आप इसी तरीके से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। इसको मैंने प्लेस कर दिया है, हमने नान की टाई जो है वो प्लेस कर दी है, और अब हम इसको मीडियम लो मीडियम फ्लेम पे जो है वो 20 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे, तो नान कढ़ाई रेडी हो जाएगी। देखें व्यूअर्स 20 मिनट हो चुके हैं और हमारी नान कढ़ाई पक्के तैयार है। हाँ, अब हम इसको बाहर निकाल देंगे, और बाहर निकालने के बाद ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि बिस्किट्स नान कढ़ाई कुछ भी बनाएं तो उनको थोड़ी देर के लिए हवा में रखना होता है, वो जो उनका सख्त सख्तपन होता है ना वो हवा में रखने से ही आता है। छोटे हम चूल्हा बंद कर रहे हैं और ये ट्रे निकाल रहे हैं, यानी ये जो है हमारी नान कढ़ाई देखें कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए हवा में रख देंगे, और फिर मैं आपको इसको टेस्ट करके बताऊंगी। ये देखें मैंने इसको यहाँ पे रख दिया था कमरे में ठंडा होने के लिए फ़ैन के नीचे, और ये देखें ये मैं उठा रही हूँ और ट्रे में सजा रही हूँ। एक और देखिए पीछे से कितना परफेक्ट कलर आया है, ये देखें। और ये हमारी नान की ताई बन के रेडी है। अब ये देखें आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और आप कौन से स्वीट डिशेस की रेसिपीज देखना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बनी है, नाश्ते के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, शाम के नाश्ते के लिए। और मैं अब ये जो है ये चार बनी है, इसके अलावा मेरे जो बैटर है उस जो मैंने आपको बैटर की क्वांटिटी बताई है उससे कितनी बड़ी बड़ी 12 नान खटाई बन सकती हैं, और अगर आप छोटी चाहें तो 16 बन जाएंगी। आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। नमस्कार।